ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एक्जैक्टली समझाया गया है विद डेमोंस्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो कम टाइम के अंदर अंदर। आपको सारे डेमोंस्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे। लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है, अगर वो 1.0 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो, या फिर आप पहले 1.0 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20-25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20-25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए जेई मेन 2022 के पेपर्स में से, और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स इस साल के पेपर में लग रहा है, हमारा जो लेटेस्ट पेपर्स है उसमें किस तरीके से हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग रहा है। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई है उसी के बेस पे किस तरीके से 2022 के पेपर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग रहा है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके सामने चार क्वेश्चंस लिए, चार अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, और जो ट्रिक्स मैंने आज तक आप लोगों को सिखा रखी है उसी के बेस पर हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, तो एक क्लैरिटी रहती है कि हाँ भाई आप लोग इस चार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हो, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, और जो भी ऑप्शंस आप मार्क करोगे वो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिखोगे कमेंट सेक्शन में इस तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमारा अजम्पशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, हमारा अजम्पशन मेथड क्या कहता है, हमारा अजम्पशन मेथड ये कहता है कि आप कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, हमको कुछ कह रहा है कि ये जो टू ऑब्जेक्ट्स है ना, ईच ऑफ मास एम जिसको अटैच किया गया जेंटली, ये सारी चीज़ें हैं। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं ऐसा करूं, ठीक है, इनिशियली कितना था एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियली 2 था, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 था, इसको याद करके रखना, इनिशियली 2 था, फाइनल कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि लेट m इक्वल टू 0, है ना, जो दो स्मॉल मास रखे गए हैं उसको अगर मैं 0 बोल दूं, है ना, अज्यूम कर लूं, अज्यूम हम वैल्यू को अज्यूम कर ले, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टेक्निकली कोई मास ऐड ही नहीं हुआ, है ना, m इक्वल टू 0 मतलब मास ऐड ही नहीं हुआ एक तरीके से, और अगर मास ऐड ही नहीं हुआ तो ओमेगा जो है वो सेम रहेगा, 2 ही रह जाएगा जो पहले था, समझ रहे हो। तो कुछ मत करो, m की वैल्यू 0 रखो ऑप्शंस में, तो यहाँ 0 रखोगे ये हट जाएगा, यहाँ 0 रखोगे ये हट जाएगा, यहाँ 0 रखोगे ये हट जाएगा, यहाँ 0 रखोगे ये हट जाएगा। ठीक है, ये m से m कट के आपको देंगे 1, ये m से m कट के आपको देंगे 1/2, है ना, ये आपका एम से एम कट के आपको देगा 2, और ये एम से एम कट के आपको देगा 2, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए कि नहीं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, सी डी में से तुक्का मार लो, सी डी में से तुक्का मार लो। इस तरीके से ऑप्शंस को इंटेलिजेंटली एलिमिनेट करना रहता है। ठीक है, तुक्का मारने का मतलब ये नहीं कि अंधा तुक्का कुछ भी मार दो, अब स्मार्टली यार m इक्वल टू 0 लेने से क्या हुआ, केसेस सेम हो गए, पहले जैसा ही केस बन गया, तो ओमेगा 2 आना चाहिए, वही वैल्यू पुट करो, 2 आ ही नहीं रहा है और भी मैं,
तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, समझ रहे हो। ये हुआ हमारा स्मार्ट अप्रोच ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, आप सी और डी में से आपको एक तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था ट्रिक, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक था 14 के अबाउट सिमेट्रिकल, तो 14 पे 3 था, 15 और 13 पे ढाई ढाई थे, है ना, 16 और 12 पे दो दो थे, है ना, 17 और 11 पे 1.5 ईच, है ना, और 18 और 10 पे 1 ईच थे, है ना। ये हमने बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक डिस्कस किया था 14 के अबाउट सिमेट्रिकल, राइट, इसी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो O2 प्लस मतलब कितना हो गया, O2 प्लस मतलब 15 हो गया, है ना, बेसिकली 15 इलेक्ट्रॉन्स, O2 में 16 होते हैं, एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो 15, तो 15 के बदले आता है ढाई, तो इसका हो गया ढाई बॉन्ड ऑर्डर। O2 मतलब 16, 16 पे आ रहा है दो, इसका हो गया दो बॉन्ड ऑर्डर। O2 माइनस मतलब 16 प्लस एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 1.5 17 पे, है ना, और O2 2 माइनस मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए O2 पे, तो 16 प्लस 2 18, 18 पे 1, तो ये आ गया O2 2 माइनस का 1, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर सबका। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो सबसे छोटा किसका है, O2 2 माइनस का, फिर उसके बाद में O2 माइनस का, फिर उसके बाद में O2 का, और उसके बाद में O2 प्लस का, ये ऑर्डर होगा, देख लो कहाँ पर है, ये ऑर्डर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, समझ लो, O2 2 माइनस लेस देन O2 माइनस लेस देन O2 लेस देन O2 प्लस, ये हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक है। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ कई बार कि 14 के अबाउट आपका सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वो सारी चीज़ें आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से जो है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे छोटे मोटे केसेस में, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपको कई बार कहा है कि टीचर हमें उन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, यू नो, जिसमें करेक्ट आंसर छुपा हुआ होता है, मतलब टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो कि करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है, समझ रहे हो। टीचर ने जो ऑप्शन आपको बार बार दिया, समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, ये चीज मैंने कई बार आपको बताया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन ऑप्शंस में, तो आपको पावर में 6 दो बार दिखेगा, है ना, पावर में 6 आपको दो बार दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा। इसका मतलब पावर में 6 को प्रेफर करना है, क्योंकि टीचर आपको बार बार उसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, यस और नो। अच्छा, दूसरा अगर आप देखोगे तो बेस में आपको 2 दो बार दिखेगा, बेस में आपको 2 दो बार दिखेगा, तो बेस में 2 को प्रेफर करना है, क्योंकि आपको टीचर वो बार बार दे रहा है, समझ लो। पावर में 6 बार बार दिया है, तो पावर में 6 को प्रेफर करना है, बेस में 2 बार बार दिया है, तो बेस में 2 को प्रेफर करना है, तो कुल मिला के 2 to the power 6 को प्रेफर करना है, है ना, 2 को भी प्रेफर कर लो, 6 का पावर को भी प्रेफर कर लो, तो कुल मिला के तुक्का लगाओगे तो सी को लगा लो, समझ रहे हो, कुल मिला के तुक्का लगाओगे तो सी को लगा लो, जिसमें 2 भी आ गया बेस और पावर भी आ गया 6, क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। इस तरीके से तुक्का लगाना होता है, इसको आप देखो बहुत अच्छे से समझना, वही चीज रिपीट करूंगा, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। तो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो टीचर आपको 3 बार 11 दिया है, तो टीचर आपको 11 में कंफ्यूज कर रहा है, समझ रहे हो। टीचर आपको 3 बार पाई दिया है, पाई पाई पाई, तो टीचर आपको पाई में कंफ्यूज कर रहा है। टीचर आपको 2 बार माइनस साइन दिया है, तो टीचर आपको माइनस साइन में कंफ्यूज कर रहा है, तो कुल मिला के 11 पाई माइनस, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, 11 माइनस पाई, तो कुल मिला के क्या है, तुक्का लगाना है तो लगा लो ऑप्शन बी, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, तुक्का लगाना है तो ऑप्शन बी लगाओ ना, सबसे बेस्ट है वो, सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यार देखो ऑप्शन डी में 15 है, ऑड वन आउट एलिमिनेट कर दो, 3 ऑप्शन में 11 है, 1 में 15 है, 15 होने के चांसेस बहुत कम है। ऑप्शन ए में पाई है ही नहीं, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 3 ऑप्शन में पाई दिया हुआ है। अब माइनस साइन 2 ऑप्शन में 1 में प्लस है, तो माइनस के होने के चांसेस यहाँ पर थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो मैं आप क्या करेंगे 11 माइनस पाई को जो यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। इस तरीके से जो है तुक्का ट्रिक्स लगती है, आपको बताओ इस 4 क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, 3 तो हमने एक्जैक्टली सॉल्व कर लिया, है ना, और पहले वाले का जो आंसर है वो हमारे उसमें आंसर ए, तो सी ए सी बी ये हमारे पास में करेक्ट आंसर के दिए हुए हैं। फर्स्ट का हमारे पास में सी, ठीक है, सेकंड का हमारे पास में ए, ठीक है, थर्ड का हमारे पास में सी, फोर्थ का हमारे पास में बी, सी ए सी बी। इन 4 में से आप बताओ आपके 3 सही हुए या 4 सही हुए, 3 तो मैंने करा ही दिया, चौथा हो सकता है आपका सही हो या फिर गलत हो जाए। तो अगर आपके 4 सही हुए तो आपने 16 नंबर उठाए, और 3 सही हुए तो आपने 11 नंबर उठाए। सोचो अगर आप ऐसे 4 क्वेश्चन की सेट में जो आप शायद छोड़ देते हो एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप छोड़ देते हो, ना छोड़ के अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करो और आप इतने इतने नंबर उठा लो होती हर 4 क्वेश्चन के सेट में, तो सोचो 30-40 क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो कितने नंबर उठाओगे, है ना। और ये आपको करना पड़ता है, अगर आपका आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं है, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप नंबर कैसे बढ़ाओगे,
किसी का मुंह ताक के तो होगा नहीं, एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे 3 घंटा और होगा, मुंह ताकने से तो होगा नहीं, अटेम्प्ट करने से होगा। पहला स्टेप तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा ना यार, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वहीं हार गए, अटेम्प्ट करोगे तो फिर एक चांसेस है कि शायद जीतोगे शायद हारोगे, अटेम्प्ट करना। और इस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीख के अटेम्प्ट करना है तो आपके डेफिनेटली नंबर जो है वो बढ़ते हैं। और ये तो लेटेस्ट 2022 का पेपर है जिसमें आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।